नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपकी एक स्पेशल क्लास है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा आयत और वर्ग के बारे में, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छा से, ठीक है? तो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटरल बोलते हैं, है ना? इंग्लिश तो हमें ज़्यादा नहीं आता फिलहाल, लेकिन हिंदी में हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए, चतुर्भुज मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें समलंब चतुर्भुज होता है पहला, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा सम चतुर्भुज, चौथा होता है आयत और पांचवा होता है वर्ग। अब बात करते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इन सभी बातों के बारे में। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको मुंह से बोल के डेफिनेशन लिखवाएंगे, परिभाषा आपको चित्र बना के दिखाएंगे, बातों को समझाएंगे, लेकिन हम लिखवाएंगे यहाँ पर बोर्ड पे नहीं, उसे आप खुद लिखेंगे। चलिए देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। पहले पूरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, तब लिखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है समांतर। अब आप लोग को पहले समांतर के बारे में पता हो, एक होता है लंबवत, है ना? तो इन बातों को पहले समझिएगा। समांतर का मतलब होता है कोई भी समांतर रेखा, वो रेखा होती है जो कभी एक दूसरे को ना काटे। जैसे हमने ये खींच दिया दो रेखाएँ, ये क्या है? आपस में समांतर है। इनको कितना भी आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये बगल बगल चली जाएंगी। जैसे रेलवे की पटरी होती है, रेलवे की पटरी कभी देखे हो कि बीच में जाके एक दूसरे पे चढ़ गई हो? वो अलग बात है, जहाँ पर जंक्शन होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ पटरियाँ जाती हैं, वो क्रॉस करती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये आपस में दोनों पटरियाँ कभी क्रॉस नहीं करती हैं। बात समझ रहे हो ना? तो रेल की पटरियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके अलावा जो लंबवत की बात करें अगर, तो कोई भी रेखा लंबवत तब कहलाती है जब वो इस रूप में दी गई हो, जैसे इस रूप में, कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको काट देगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये क्या है? लंबवत है, ठीक है? आप समझना, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएँ क्या होती हैं? समांतर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखो, युग्म का मतलब एक जोड़ा, ठीक है? भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए, हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये लो, देखो बन गया ना। इसमें जो भुजाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर हैं। अगर आप इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ाओ, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ, इसको, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को आपस में, है ना? बात समझ गए ना? ये हो गई परिभाषा। अब इसके गुण की बात करें, प्रॉपर्टी, इसके क्या क्या गुण हैं। देखिए, कोई भी इंसान हो या कोई भी वस्तु है, जानवर है, कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ प्रगुण होता है, है ना? वो क्या? जैसे एक मार्कर है, इसका भी अपना गुण है। क्या है? कि ये स्याही डालने से चलता है, दूसरा ये ब्लैक कलर का चलता है, तीसरा ये वाइट बोर्ड पर चलता है, और चौथा इसको आसानी से मिटाया जा सकता है, है ना? इसका प्रगुण हुआ ना अपना। बाकी अगर एक पेन की बात करें तो देखिए, इसकी एक प्रगुण है, ये वाइट बोर्ड पर नहीं चलेगी, कॉपी में चलेगी, सादे पेपर पर चलेगी। दूसरा इसका प्रगुण है, इसका लिखा गया मिटाया नहीं जा सकता आसानी से, जब तक पेज ना फट जाए, है ना? तीसरा प्रगुण क्या है? तीसरा प्रगुण है ये
कि आप इसका प्रयोग मतलब कहाँ पे करते हैं, पढ़ाई लिखाई के काम में करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि गेंद खेलने में करते हैं। तो वैसे ही हर चीज़ का एक प्रगुण होता है, उसी तरह से जो ये समलंब चतुर्भुज है इसका एक गुण होता है, वो क्या है? पहला लिख लीजिए, नंबर एक, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से लिखें, या फिर बातों को सुने, वीडियो को रोक लें, फिर लिखें, फिर चलाएं थोड़ा देर, फिर लिखें, इस तरह से लिखें, ठीक? ये पहला प्रगुण हो गया कि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। उदाहरण के लिए दिए गए चित्र में भुजा ए बी समांतर है भुजा सी डी के, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक? ये 11 नहीं है, समांतर है, याद रखना। इसको आप थोड़ा सा चाहे तिरछा भी कर सकते हो, या फिर इसको पतला लाइन में खींचना, ठीक? चलिए, दूसरा प्रगुण क्या है? इनके सम्मुख कोण असमान होते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे आप नाप लो अगर चांदा पटरी से, तो अगर ये कोण आपका 45 बनेगा, तो इसको नापोगे तो ये 110 बनेगा कम से कम, है ना? सम्मुख कोण बराबर नहीं होते हैं। दूसरा प्रगुण लिखिए, समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण असमान होते हैं। समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। हो गया दूसरा प्रगुण। तीसरा लिखना, ये मत सोचना ये फालतू का फोकट में बता रहा हूँ। डीएलएड 4 सेमेस्टर आप पास करने जा रहे हो, बीटीसी की डिग्री आपको मिलने वाली है, मास्टर बनने जाने वाले हो, है ना? तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समलंब चतुर्भुज के कोई भी 3 गुण लिखिए। अगर लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, चित्र बना दोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक ना? और समझना, हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इनके गुण धर्म लिखते हुए समझाइए, तब पूरा पूरा अधिकतम नंबर का आएगा, फिर जितना नंबर आपको मिलना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो अगर आप याद रखोगे तो आराम से बन जाएगा, आ भी जाएगा, है ना? बस थोड़ा सा मेहनत करना है। तो तीसरा इसका गुण क्या है, उसको भी लिख लीजिए। इनके दोनों विकर्ण असमान होते हैं, दोनों विकर्ण असमान होते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं विकर्ण कौन सी बला है, पिछला क्लास देखा होगा आपने, 26 नंबर क्लास, ओ सॉरी 27 नंबर, ये क्लास 28 है ना, क्लास 27 देखा होगा, उसमें बताया था विकर्ण वगैरह क्या होता है। देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर होगी वो क्लास, है ना? चलिए, इनके दोनों विकर्ण असमान होते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैं विकर्ण बना के अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ ध्यान देना, एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। अगर आप इसको नाप के देखोगे तो दोनों असमान हैं, बराबर नहीं होंगे, ठीक ना? बना लीजिए चित्र, हो गया। इस तरह से आपने समलंब चतुर्भुज का सारा सिस्टम पढ़ लिया। और इसे अगर इंग्लिश में बात करें क्या बोलते हैं, तो उसको भी लिख लीजिए। इसे इंग्लिश में ट्रेपिज्म बोलते हैं। स्पेलिंग लिखिए, TREPEZIUM, ठीक है? इसका मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। अगला बात करें हम इसी में, दूसरा समांतर चतुर्भुज। क्या है समांतर चतुर्भुज? अब ये आकृति मिटा सकते हैं हम। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अलग से, समांतर चतुर्भुज। पहला हो चुका है खत्म। समांतर चतुर्भुज कौन सी बला है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी एक प्रकार से नहीं तो कहा जाए दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। जैसे अगर हमने ये बनाया इस तरह से, और थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ध्यान देना, ये आपस में समांतर है ना, इनको अगर आप मिलाओगे तो क्या होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे,
समांतर होंगे। मतलब समझना, अगर ये भुजा ए बी है, ये भुजा सी डी है, तो आप देखो ए डी और बी सी आपस में समांतर है। इनको आगे बढ़ाओगे ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, है ना। ये आगे बढ़ा लो चाहे जहाँ। इसका मतलब इसकी जो भुजाएं हैं ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं, है ना। दूसरा समझना, इसकी भुजाएं ए बी और सी डी भी आपस में समांतर हैं। ये देखो इधर इधर बढ़ाओगे, इधर भी कहीं ना कटेगा आपस में। तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा कुछ ऐसे हो जाएगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो युग्मों, जिसकी भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। युग्म का मतलब जैसे ए डी समांतर है बी सी के, तो ये एक युग्म हो गया भुजा का। युग्म मतलब जोड़ा, है ना। और ए बी के समांतर है कौन, सी डी। तो ये सभी क्या है, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक। परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलते हैं, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। क्या होता है ये, पैरालेलोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। वैसे भी समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, है ना, पैरेलल बोलते हैं समांतर को, लंबवत को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस तरह से इसे आप पढ़ सकते हो, पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। इसके गुण धर्म की बात की करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके गुण क्या होते हैं, गुण प्रगुण क्या होता है, इसको हमने आपको पीछे बता दिया था। तो चलिए इसके गुण और प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला गुण है कि प्रत्येक युग्म में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक युग्म में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लिख लीजिए, प्रत्येक युग्म में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहला हो गया, प्रत्येक युग्म में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, प्रत्येक युग्म में, ये यहाँ पे छोटा उ का मात्रा आधा गामा, प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका तीसरा गुण क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे मैंने एक विकर्ण ये खींचा और दूसरा ये खींचा, तो इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी ये है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जानते हो, समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है साथियों, जैसे अगर एक हमने भुजा बनाया है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है, एक रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर पर से काट दें, मतलब क्या हो गया, ये रेखा का समद्विभाजन हो गया, समझ गए ना। तो तीसरा गुण होता है, इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की। कोई भी समांतर चतुर्भुज कब होगा, इसके कुछ प्रगुण होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसको भी देखिएगा, इसको भी आपको करवा ही देते हैं, तब फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए देखिए, सफिशियंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। किसी भी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के कुछ कंडीशन हैं, अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी चतुर्भुज,
तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कंडीशन सुनिएगा और नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। नंबर एक, पहले ये हेडिंग डाल लीजिए वीडियो को रोक करके, अगर आप लाइव में नहीं है वीडियो में है तो जल्दी से रोक लीजिए वीडियो को टच करके स्क्रीन पर, उसके बाद फिर सुन लीजिए, इस हेडिंग को लिख लीजिए जो लिखा गया है, उसके बाद फिर आगे लिख करिएगा। चलें, हो गया इतना, लिखिए। नंबर एक, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखना, सेकेंड नंबर, यदि किसी चतुर्भुज में बराबर सम्मुख भुजाओं के, यदि किसी चतुर्भुज में बराबर सम्मुख भुजाओं के, यदि किसी चतुर्भुज में बराबर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म हों, दोनों युग्म हों तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज में बराबर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म हों, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसको आप अपने हिसाब से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म, भुजाओं के दोनों युग्म क्या हैं, समांतर हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ये दूसरा कंडीशन हो गई। और कौन कौन सी परिस्थितियों में कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, उसको भी लिखना। तीसरा नंबर, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समद्विभाजित देखिए ऐसे लिखेंगे, समद्विभाजित, यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, विकर्ण मतलब ये, यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगला नंबर पांचवा लिखना, अगली क्या कंडीशन है, यदि किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों तो समांतर चतुर्भुज होगा। लिखना अगला, यदि किसी, चौथा नंबर, यदि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों तो समांतर चतुर्भुज होगा। पांचवा कंडीशन लिखना, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो भी वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये तरीका अपना अपना होता है, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने देख लिया समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के प्रॉपर्टी, गुण और उनके होने की शर्तें, और भी बहुत कुछ आपने सीख लिया है ना। अब इसमें कुछ सिद्ध करने वाला मामला आता है, कुछ परिमेय दी गई हैं जिनको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये सब सिद्ध करने वाला लफड़ा हम देखेंगे अलग क्लास में, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आसान आसान बातें हैं, ठीक है। सिद्ध करने वाली रचनाएं हम आपको अलग करवा देंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो उसमें उलझेंगे तो ये पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का ये पार्ट हम आपको करवा देंगे आगे। अब हम देखेंगे अगला प्रकार का चतुर्भुज। हमने अभी आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार का चतुर्भुज बनाया था, है ना। और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी इलाहाबाद को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें,
और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। अगर आप इस क्लास को पीबीआर स्टडी इलाहाबाद के अलावा पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर देख रहे हैं या मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे अच्छी बात है अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पर पीबीआर स्टडी का पेज है, तो वहाँ पर पेज को लाइक करके फॉलो करना ना भूलिएगा, जिससे आपको अगली क्लास मिल सके। तो साथियों, पांच प्रकार के चतुर्भुज में हमने दो प्रकार का देख लिया, चलिए तीसरा देख लेते हैं, सम चतुर्भुज। क्या है सम चतुर्भुज, ये कौन सी बला है? देखिए इसको, सम चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये इधर साइड देख लीजिए क्या लिखा है, रेम्बस, है ना। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से कुछ कुछ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, है ना, सम चतुर्भुज मतलब एक प्रकार से ये वर्ग की तरह ही होता है, बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हों, सम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब एक प्रकार से वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन वर्ग और इसमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, इसलिए पूरा देखना, ठीक ना। इसमें कोई भी दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, चारों नहीं, ठीक ना। मतलब जैसे अगर ये बराबर हो गई तब भी काम चल सकता है। ये मान लो चार चार की हो गई, कितना हो गई, ये चार चार की हो गई, और ये तीन तीन की भी हो गई, या तीन दो की हो गई, वैसे तो तीन दो होगी नहीं, तीन तीन ही होगी, तो भी क्या होगा, ये सम चतुर्भुज होगा। वर्ग में क्या अंतर होता है आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह में, साथियों वर्ग जो होता है जिसे स्क्वायर बोलते हैं, उसमें सभी बराबर होती हैं। अगर ये चार है तो ये भी चार होगा, ये भी चार, ये भी चार, सभी बराबर होगी। तो सम चतुर्भुज और वर्ग में यही थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक ना। मतलब दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होंगी। साथियों संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम आसन्न भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। तो ये भी लिख लेना, आसन्न भुजा एक दूसरा रूप में, ठीक ना। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, वो सम चतुर्भुज कहलाता है। बात समझ में आ गई ना, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, चित्र नहीं बनाया था तो बना लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए और चित्र को बना लीजिए, ठीक है। इसके गुण के बारे में अगर बात करें तो सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बना लीजिए चाहे तो इसको, बाकी इसमें कोई विशेष गुण प्रगुण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। वर्ग एक प्रकार का आयत ही होता है, लिखिए वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको बना लीजिए। इसके बारे में आप जानते हो कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लेते हैं अगर तीन है तो सभी तीन ही होंगी, लिखिए वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, वो क्या बोलते हैं इसे, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न मतलब संलग्न भुजाएं, ठीक है। बस बाकी इसमें और बहुत कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। क्या होता है? वर्ग के सभी कोण
समकोण होते हैं। सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 अंश के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कहीं भी कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, तो वो क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा क्लास को देखना, भागना मत। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह तथ्य आयत, सम चतुर्भुज व वर्ग के लिए भी सत्य है। ठीक है, समांतर इसमें भी लिख लीजिएगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और ये तथ्य किसके किसके लिए सही है लिख लीजिए, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, मतलब इन तीनों प्रकार के चतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं ये, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। बात समझ गए ना? तो बस ज़्यादा गुण प्रगुण नहीं है इसमें, ये भी यहीं पर लगभग हो चुका है, चित्र आप बना लीजिएगा, बात आप समझ गए होंगे, है ना? हल्का हल्का पढ़ लीजिए चूँकि ये ख़त्म होने वाला है। और दूसरा नंबर क्या है कि पेपर भी बहुत जल्दी है ना? तो क्या बचा है अभी? आयत बचा है ना, आयत। चलिए आयत के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आयत के बारे में बात कर लेते हैं। आयत क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो आयत कहलाता है। और किसी किसी आयत के सभी कोण समकोण हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही होता है, लेकिन हाँ उसकी जो पर्याप्त कंडीशन है वो इतना है। लिखिए आयत, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। परिभाषा लिखिए, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। हो गया? चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, लिखिए इसमें कंडीशन, लिखिए आयत में किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो फिलहाल इसमें नहीं लिखा गया है। आयत के चारों कोणों में से प्रत्येक समकोण होता है। आयत के चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। और क्या होता है? आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके मुख्य मुख्य जो बिंदु है यही है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये देखो आयत है ना, ये आयत, समकोण का मतलब ये 90 अंश, ये देखो 90 अंश और ये 90 अंश। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परिभाषा आपने लिख ही लिया कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। बात समझ गए ना? तो इसके गुण और परिभाषा में आप थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे, लेकिन ये अंतर क्यों है ये आप समझेंगे जब आप पूरी क्लास देखेंगे, सभी क्लास को देखेंगे। तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ परिमेय के बारे में जो सिद्ध करना होता है। देखिए परिमेय एक होता है, एक परिमेय होता है, दोनों में अंतर होता है।
ये आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या अलग चीज है। और सिद्ध कीजिए कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश होते हैं, इसको ये बोलते हैं परिमेय। तो ये चीज हम करेंगे अगले सेशन में, जिसमें कुछ रचना वगैरह देखेंगे, आप लोग देखिएगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलते चलते आपको बता दें एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक PBR स्टडी इलाहाबाद को YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में जो घंटी का निशान आता है, इसको ज़रूर बजाइएगा, मतलब एक बार प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्लास की, जिसका रीज़न है कि आप इसको प्रेस नहीं करते हो। इसको प्रेस करने के बाद जो तीन ऑप्शन आते हैं, उसमें से सबसे ऊपर वाला चुनना, ऑल नोटिफिकेशन। तो चलते हैं, 7 बजे से अगली क्लास होगी, उसको देखिएगा। अगर आप इस क्लास को रात में देख रहे हैं तो फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा। सुबह इस क्लास के बाद में जस्ट अगली क्लास होती है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। अगर कोई शिकायत है आपकी तो आप उसे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव है, कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। शुक्रिया।